तो आज का एक और नया वीडियो अपडेट करने जा रहे हैं। आज है 24 सितंबर 2024, और आज हमारी जो वीडियो है ये बनने जा रही है लायन वैरायटी के ऊपर ही, जो नेशनल इंटीग्रेशन की थीम के 2 रुपीज़ होते हैं उनमें जो लायन वैरायटीज़ अलग अलग देखने मिलती है, पहले उन्हें समझना होगा, फिर उसके बाद आपको ये भी पता चल जाएगा हमारे थ्रू कि किस ईयर में कौन सा लायन रेयर होता है। लायन वैरायटी यानी जो अशोक स्तंभ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लायन वैरायटी का मतलब होता है ये जो अशोक का पिलर होता है ना, इसमें कुछ अलग अलग टाइप की वैरायटीज़ आती है कॉइन्स में, ठीक है। तो ये इसके नाम दिए गए हैं ABCD, फिर और भी काफ़ी सारे अलग अलग नाम हैं। तो ये आज जो हमारा है इसमें AB लायन की बात हम करने वाले हैं, यानी ये लायन वैरायटी ए और बी दोनों ही नाम एक साथ इसको दिए गए हैं। तो इस पर हम बात करेंगे आज, सीखेंगे, समझेंगे कि ये लायन वैरायटी को किस तरीके से पहचाना जा सकता है, ठीक है। क्योंकि हमारा मेन लक्ष्य यही है कि हमारे जो लोग हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो सिर्फ हमसे सिक्का खरीदे या बेचे नहीं, जानकारी भी जुटाएं, ताकि ऑल ओवर इंडिया से जो जहाँ से भी लोग ये हमारी वीडियो देखते हैं उनको ये आम चलन में जब सिक्के मिले तो उनको नॉलेज हो कि भाई हमारे जो नेशनल इंटीग्रेशन की थीम के 2 रुपीज़ है इसमें कुछ रेयर वैरायटीज़ ऑफ लायंस भी आती हैं जिन्हें हमें कलेक्ट करना चाहिए। एक्चुअली इस टॉपिक पे आपको शायद ही वीडियो मिलेगा यूट्यूब पे परफेक्टली, तो मैं चाह रहा था कि इसे भी कवर किया जाए। काफ़ी सारे हमारे सब्सक्राइबर ने बहुत बार मुझे रिक्वेस्ट की, तो मैंने कहा भी था कि मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा ज़रूर। पहले भी मेरा एक वीडियो है इसके ऊपर, लेकिन उसमें ABCD को मैंने समझाया था। अब थोड़ी और गहराई में जा रहा हूँ, लेकिन ABCD भी फिर से समझना होगा आपको। पहले वो 3 वैरायटी को भी समझना होगा, फिर अलग अलग और वैरायटीज़ पे भी हम बात करेंगे। आज फ़िलहाल हम AB वैरायटी पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको, इस टॉपिक को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने सुबह ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था कि जो बुक्स की जो रिक्वायरमेंट है, ख़ास करके नोट्स की बुक की रिक्वायरमेंट लोगों को काफ़ी है, लेकिन नोट्स की बुक या तो काफ़ी महंगी है मार्केट में, या फिर लेटेस्ट में अभी जैसे 22-23 में जो हमारे पास आई थी इसका अभी लेटेस्ट वर्जन आया नहीं है, लेकिन ये 22-23 की बुक भी कहीं ना कहीं काफ़ी काम की है। तो फिला इंडिया ये जो बुक आप देख रहे हैं इसका हमारे पास अब PDF अवेलेबल हो गया है। जिस किसी को भी ये बुक का PDF लेना है तो आप हमसे ले सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास अलग अलग बुक्स के कहीं ना कहीं PDF अवेलेबल है, तो जो भी बुक का आपको PDF लगे, यानी कि आपके मोबाइल में ही आप पूरी बुक लेके उसमें से चेक कर सकते हैं कौन से नोट्स या कॉइन्स की बुक लेंगे तो कौन से कॉइन्स उसके अंदर स्कार या रेयर हैं, ठीक है। अभी जैसे मिसाल के तौर पे इसमें ना सिर्फ रिपब्लिक इंडिया के हैं, इसमें ब्रिटिश के भी नोट्स की जानकारी दी हुई है, ठीक है। ब्रिटिश के टाइम पे जो नोट्स चला करती थी उनकी भी काफ़ी सारी इसके अंदर जानकारी है। रेयर नोट्स की भी, स्टार वाले नोट्स की भी, सभी इसके अंदर आपको जानकारी देखने मिलने वाली है। और मेरे ख्याल से पुर्तगाल इंडिया के टाइम की भी जो नोट्स थी उनकी भी कहीं ना कहीं इसके अंदर जानकारी है। तो स्टार वाले भी नोट्स जो काफ़ी लोगों को मिल जाते हैं आम चलन से, फिर वो लोग सोचते हैं कि अब ये वाला स्टार वाला नोट इसकी क्या प्राइस हो सकती है। तो जो स्टार वाले, चाहे 10 वाले हों, चाहे 1 वाले हों, चाहे 100 वाले नोट हो आपके पास, ठीक है, या 50 वाले नोट हो स्टार वाले, उनकी भी जानकारी इस बुक में दी गई है। तो काफ़ी कुछ आपको सीखने समझने मिल जाएगा। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि ऐसी कुछ चीज़ें आप तक आए जिससे आपका नॉलेज बढ़े, ठीक है। अगर आपका नॉलेज बढ़ेगा तभी आप हमारे रिपब्लिक इंडिया की थीम के जो भी नोट्स या कॉइन्स, उसको आप कहीं ना कहीं सही तरीके से संभाल पाएंगे, जिससे आने वाले टाइम में आपको भी फ़ायदा होगा और जो लोग वो कलेक्शन आपसे लेंगे उनको भी कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा, ठीक है। तो चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। ये जो हमारा AB वाला जो लायन वैरायटी, अच्छा ये स्केल भी बता दूं, देखिए ये जो स्केल है ये हमारे पास फ़िलहाल जो अवेलेबल है पॉकेट स्केल, ये पहले जो मैं दिया करता था वो 200 ग्राम वेट का हुआ करता था, यानी उस पर हम 200 ग्राम तक का वेट चेक कर पाते थे। इसमें हम 300 ग्राम तक का चेक कर सकते हैं, जो हम कॉइन्स वगैरह चेक करने के लिए यूज़ करते हैं।
पहले वाला ये था, ये आज भी अगर चाहिए तो आपको मिलेगा। ये 350 रुपीज़ का हुआ होता है, ठीक है। और अभी जो मैंने बताया है ये, वैसे इसकी MRP 400 रुपीज़ है, लेकिन शिपिंग के साथ आपको 450 में मिलेगा ये, ठीक है। 450 में ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो जिसको भी जो वज़न काटा जिसको बोलते हैं लोग चेक करवाने के लिए चाहिए, तो आप इसके लिए भी हमें ऑर्डर कर सकते हैं। और मेरा नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, मैं स्क्रीन पे भी अक्सर दिखाते रहता हूँ, 9699065064। हर स्क्रीन पे दिखाने वाले नंबर यूट्यूबर फ्रॉड नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ बातें मैंने अभी सुनी थी रिसेंटली कि जो भी यूट्यूबर अपने स्क्रीन पे नंबर दिखा रहा है वो फ्रॉड है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हमारे साथ लोग काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, तो जो भी इस टाइप की वीडियो बनाते हैं थोड़ा बातों का ध्यान रखना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो अपना नंबर डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। किसी एक दो का अगर डिस्प्ले नहीं होता है तो वही सही होंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो बातों को ध्यान रखते हुए बोलना चाहिए, भले ही वो छोटे यूट्यूबर क्यों ना हो, अगर वो सही काम कर रहे हैं अपना नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं तो उनकी भी हमें कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नंबर मैंने बताया 9699065064, ये व्हाट्सअप नंबर होता है हमारा पब्लिक के लिए, और मैंने आज हमारे ग्रुप में डाला भी है स्कैनर कोड। तो जिसको PDF चाहिए या फिर हमारा एल्बम सॉरी पॉकेट स्केल चाहिए, उसका जो भी पेमेंट आप करोगे, पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट हमें शेयर करना है। अगर मेरा रिप्लाई एक दिन में नहीं आता तो नेक्स्ट डे फिर से शेयर करना है, दूसरे दिन में नहीं आ रहा तो तीसरे दिन फिर से शेयर करना है, ठीक है। कम से कम 3 दिन आपको उसको रिमाइंड करना है। और जो दूसरा नंबर फिर मैं देता हूँ ज़रूर, उस पर भी आपका पेमेंट का स्क्रीनशॉट के साथ आपका नाम एड्रेस पिन कोड के साथ लिख के आपको भेजना होता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं मेन टॉपिक पे, जो है नेशनल इंटीग्रेशन की थीम पे जो 2 रुपये बने हैं, इनमें अब AB वैरायटी जो होती है उसको पहचानना है। इससे पहले मैंने कुछ वीडियो पहले मैंने आपको जो बताया था वो टाइप डी था, ठीक है, लायन टाइप डी, ये मैंने आपको समझा दिया था मेरे हिसाब से आसान लफ्ज़ों में। अब जो है हम टाइप डी पे नहीं, टाइप AB पे बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये टाइप AB क्या होता है, इसको क्यों AB कहा जाता है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा आसानी से, मैं बता दूंगा ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ये टाइप डी की डिटेलिंग कुछ मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, जो मैंने लास्ट टाइम समझाई थी आपको, इसकी हाइट वगैरह क्या होती है और भी डिटेल्स में हम गए थे। तो अब फ़िलहाल जो हम बात कर रहे हैं वो है लायन AB, ठीक है, यानी कि A और B को मिलाकर इसका नाम रखा गया है AB। इसकी वजह क्या है, सबसे पहले ये ड्यूअल सिमिलैरिटी लेके चलता है, यानी कि दो टाइप वैरायटी जो है उसकी सिमिलैरिटी एक ही में आपको नज़र आएगी, ठीक है। और कुछ चीज़ें मतलब A की भी मैच करेगी, कुछ B की भी मैच करेगी, तो इस वजह से इसको AB कहा जाता है। तो सबसे पहले इसकी हाइट की अगर बात करें कि ये कितना हाइट में लंबा होता है, तो इसकी हाइट है 15 mm, ठीक है, 15 mm इसकी हाइट होती है। अब इसकी और डिटेलिंग को अगर आपको समझना है तो मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। तो अशोक पिलर में हमेशा याद रखिए 3 हमें लायन दिखते हैं, एक साइड लायन होता है, एक सेंट्रल लायन, एक लेफ्ट और राइट होते हैं, और एक सेंट्रल लायन होता है, ठीक है। तो अगर हम राइट की बात करेंगे तो राइट वाले लाइन पे ध्यान देना है, अगर हम सेंट्रल की बात करेंगे तो बीच वाले लाइन पे ध्यान देना है, अगर हम लेफ्ट वाले की बात करेंगे तो इस लाइन पे ध्यान देना है, ठीक है। तो फिलहाल हम जो बात करेंगे इसमें अभी आपको ध्यान देना है और समझना है कि हम कैसे इसको पहचान सकते हैं बात। तो अभी इसकी सिमिलैरिटी पे ध्यान देते हैं कैसे ये टाइप AB हुआ है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि इसको इसकी हाइट जो है 15 mm है, ठीक है, 15 mm इसकी हाइट है, और ये सेम होती है टाइप ए की हाइट के हिसाब से, यानी जो टाइप ए का जो लायन होता है अशोक पिलर होता है उसकी हाइट भी 15 mm है और इसकी भी हाइट 15 mm ही होती है, ठीक है। और लेकिन इसका जो डिज़ाइन है, यानी कि जो इसकी इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो डिज़ाइन होते हैं बी की तरह, यानी टाइप बी जो लायन होता है उसकी तरह इसके कहीं ना कहीं जो फीचर है वो यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे, वो मैं समझाऊंगा आपको। इसकी वजह से इसको AB लायन कहा जाता है,
यानी इसमें हाइट है 15 mm ए वाले की, सेम सिमिलैरिटी है, और डिज़ाइनिंग है बी वाले की। तो इसके लिए ए बी का कॉम्बिनेशन मिलके इसका नाम रखा गया है ए बी लायन। ठीक है, तो अब इसको समझने के लिए देखिए, इसकी डिज़ाइनिंग को चेक करने के लिए अभी यहाँ पे ध्यान देना है हमें। ये जो इसका सेंट्रल लायन है, जो बीच का जो अशोक स्पिलर का जो लायन बना हुआ है, इसमें अगर इसके जो फुर लाइंस है, यानी कि जो बालों में जो लाइनिंग्स, ये जो फुर है, उभरे हुए जो फुर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ना, जो बाल हैं, ये टोटल आपको 5 नज़र आएंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, वापस से थोड़ा और जूम करके दिखाता हूँ आपको ताकि नज़र आ जाए। ये देखिए, ये पहला है 1, फिर ये दूसरा है 2, तीसरा है ये 3, चौथा है ये 4 और ये 5वां। ये जो बाल नज़र आ रहे हैं ना, ये 5 उभरे हुए अलग अलग डिवाइड किए हुए बालों की यहाँ पे आपको बनावट नज़र आएगी। ठीक है, लेकिन अगर यही चीज़ आप ए लायन में देखने जाओगे तो ए लायन में ये 5 नहीं मिलते, लगभग 7 से 8 लाइंस देखने मिलती है आपको। ठीक है, तो डिज़ाइन है बी की तरह और हाइट है ए की तरह। बी की तरह क्या डिज़ाइन है, इसका जो चेस्ट सेंट्रल लायन का जो फुर है चेस्ट पर, उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो 5, 1, 2, 3, 4, 5 लाइंस उभरे हुए फुर्स के आपको नज़र आ जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से ये बीच की लाइन पे ध्यान मत देना। ये अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको समझाने के लिए बता दूँ, अगर आप इसको, इस लाइन को देख रहे हैं ना, ये बीच की काली काली लाइन डिवाइड हुई है, उसको मत ध्यान देना, जो बाल उभरे हुए हैं ना उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो ऐसे ए वाले में आपको 7 से 8 नज़र आएंगे, लेकिन ये वाली जो होती है इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 5 ही नज़र आते हैं, जो बी वाले में हमें देखने मिलती है डिज़ाइनिंग। तो डिज़ाइनिंग है बी वाले की तरह और हाइट है ए वाले की तरह, इस वजह से इसका नाम दिया गया ए बी टाइप। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की डिटेलिंग, जिसमें मैंने बताने की कोशिश की आपको कि टाइप ए बी लायन क्या होता है, उसकी हाइट क्या है और उसके फीचर्स में बी वाले वैरायटीज़ क्या हैं, ए वाले वैरायटीज़ क्या हैं। ठीक है, तो ये आप जब सीख जाओगे, जैसे डी को जानना सीख गए आप और अभी इस वीडियो से आप ए बी को जानना सीख गए, तो आने वाले टाइम में आपको फिर हमारे थ्रू ये पता चलेगा कि कौन से ईयर में डी से रेयर होता है, कौन से ईयर में ए से रेयर होता है, कौन से ईयर में बी से रेयर होता है, कौन से ईयर में ए बी से रेयर होता है, या और भी जो टाइप हैं इसकी, तो वो भी वैरायटी में हम कहीं ना कहीं आगे चल के आपको बताएंगे। और ख़ास करके जो हमारे मेंबर्स हैं उनके लिए ये हम चीज़ अवेलेबल करवाने वाले हैं हमारे ऐप के ऊपर भी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसको भी कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई है वो पहले तो मैं कहूँगा रिपीट करके वीडियो को बार बार देखे, कुछ कॉइन्स को हाथ में लेके देखे, हो सकता है उससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, और साथ में ये कहूँगा मैं कि लायन वैरायटीज़ पे और कहीं ना कहीं म्यूल वैरायटीज़ या ओएमएस वैरायटीज़ या डाई वैरायटीज़ पे वीडियो बननी चाहिए। काफ़ी अच्छे अच्छे पुराने चैनल्स हैं, तो मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ कि वो लोगों को इस पर भी गाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस पे कंटेंट काफ़ी कम बना हुआ है, वो लोग अगर इस पर वीडियो डालते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलेगा। ठीक है, तो जितने ज़्यादा लोगों को पता चलेगा, मेरा ऐसा मानना है, उतना ही ज़्यादा लोगों का फ़ायदा भी होगा। ये सब बातें ऐसी है जो लोग कहीं ना कहीं, मैं समझता हूँ, थोड़ा सा छुपा के रखते हैं, लोगों तक बताते नहीं है और फिर बाद में उसका फ़ायदा वो खुद लेना चाहते हैं। लेकिन उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इन बातों पे भी, इन टॉपिक्स पे भी अब वीडियो आना स्टार्ट हो जाएंगे। वैसे कल हमारा एक सेलिंग पर्पज़ का शायद वीडियो आएगा, जिसमें रिपब्लिक इंडिया के खास करके कुछ अच्छे रेयर कॉइन्स और हो सकता है कुछ अलग अलग थीम में हम और भी वैराइटीज़ ला के आपको बताएँ, तो कल इवनिंग तक वो वीडियो आने की उम्मीद है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को बस यहीं पर एंड करता हूँ, इस उम्मीद से कि आज के वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। चलिए, बाय।